पुलिस कप्तान कुमार गौरव के निर्देशानुसार सूचना के आधार पर बीती रात डोमचांच थाना क्षेत्र के चंचाल पहाड़ी स्थित पत्थर खदान के समीप दो मंजिला भवन के निचले तल्ले के कमरे से अवैध विस्फोटक भंडारण की सूचना मिली थी। सूचना के आलोक में थाना प्रभारी शशिकांत कुमार, धार थाना प्रभारी सुनील पासवान, नवलशाही थाना प्रभारी इकबाल हुसैन द्वारा छापेमारी कर 3 पीस डेटोनेटर, 172 पीस पावर जेल, 7 बंडल तार, 1 पीस एक्सपोल्डर मशीन बरामद की। विस्फोटक शिव कुमार बर्णवाल के खद्यान के समीप से बरामद हुआ। वहीं मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो शिव बर्णवाल के खद्यान में काम करता है। ये विस्फोटक उन्हीं के खद्यान में उपयोग में लाए जाने के लिए थे, मगर स्टॉक अधिक होने के कारण ये यहां रखा हुआ है। उक्त मामले को लेकर थाना प्रभारी शशिकांत कुमार ने बताया विस्फोटकों को जब्त कर इसको कहां से खरीदा गया इसका पता लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया इसमें एक युवक शिव कुमार बर्णवाल को नामजद बनाया गया है। वहीं मामले को लेकर डोमचांच थाना में कांड 117/21 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। छापेमारी टीम में थाना प्रभारी के अलावा थाने के SI सतीश पांडे, विकास पासवान, दलबल के जवान शामिल थे। डोमचांच से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जो एक्सप्लोजिव्स हैं इसका जहां पर भी भंडारण होना है उसमें लाइसेंस प्रदान किया जाता है, और जब भी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना रहता है तो उसमें प्रायर इंटीमेशन के बाद नियमित रूप से एक वैन में ले जाया जाता है, और माइंस में प्रयोग होने के बाद जो भी बचत है उसे वापस मैगजीन में जमा करना होता है। किसी भी सूरत में अनुज्ञप्ति के बिना एक्सप्लोजिव्स का भंडारण करना वर्जित है, और इसी संदर्भ में ये कार्रवाई की गई है कि क्योंकि जिस स्थान पर ये पाया गया वहाँ पर कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई है। विस्फोटक किसका था, किसके खाता में यूज किया जाना था पता चल पाया सर? इस संबंध में अभी जाँच की जा रही है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।